हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक आलू पालक, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। सबका बनाने का तरीका अलग है, तो मेरा भी थोड़ा सा फ्लेवर और थोड़ा सा अलग होगा। तो शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। मैंने चार आलू इस तरह से काट के, क्यूब साइज़ में काट के, ऑलरेडी धो के इसको सूखा लिया है, पानी में सूखा लिया है इसको। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई इन हम इसको 90% इसको फ्राई करेंगे। अब इसको डाल देते हैं। गैस को, फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही कम रखा है। आलू को पहले ही काट के धो के रखने से क्या होता ना, तेल आपके छिटकते नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और फ्लेम को हम मीडियम करके आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक ये आलू हमारा 90% कुक नहीं हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू अच्छे से, मैंने 90% तो हो गया है, पक गया है। ताकि इसको मैंने ना मीडियम टू लो कर करके इसको एकदम फ्राई किया है। अभी ये बिल्कुल ही करारे फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। आलू को तो हमने फ्राई कर लिए, इसमें जो तेल बचा हुआ है, ऑयल बचा हुआ है, क्योंकि रेसिपी का नाम है गार्लिक आलू पालक, तो इसमें गार्लिक का ज़्यादा काम करेगा। तो हम इसमें, मैंने कम से कम 20-25 लहसुन को बारीक बारीक काट के रखी हुई है। अब इसको हम आधा लहसुन इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, और इतना रख लेंगे। इसको भी थोड़ा सा सुनहरी करके फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। गैस को ऑफ कर देते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं, साइड में रख लेते हैं, ये हमें बाद में काम आएगी। थोड़ा सा तेल हमने ऐड कर लिया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे करीब आधी चम्मच करीब जीरा, और इसमें डाल देंगे खड़ी सूखी मिर्च 3, अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज की प्याज जो मैंने चॉप करके रखी है, और 3 हरी मिर्ची जो चॉप करके रखी है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा सुनहरी ना हो जाए। ये देखिए, ऑनियन हमारा थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, अगेन गार्लिक जो बच गया है ये सारा डाल देते हैं, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला, क्योंकि हमें गार्लिक को ज़्यादा जलाना नहीं है ये वाली में। अब इसको मिला लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर जो हमने बारीक से काट रखी है, और साथ में हम डाल देंगे लहसुन, और हम साथ में डाल देंगे नमक अपने स्वाद अनुसार, ताकि हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है तो थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप अपने नॉर्मल नमक यूज़ करेंगे तो आप हिसाब से आप डालिएगा। अब इसको हल्का सा भून लेते हैं ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, और गैस को, फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे। देखिए, काफ़ी हद तक हमारा प्याज और टमाटर नरम हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ आलू। आलू फ्राई करके बनाने से क्या होता है ना, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। जैसे आप एक एक आलू खाओगे तो उसमें कुछ अलग ही मज़ा आएगा। ये हमने सारे मिक्स कर लिए आलू और प्याज को अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करेंगे।
करी आधी चम्मच थोड़ी सी। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब इसको ढक के हम लो फ्लेम में करीब 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू पक गए हैं और अच्छे से ये फ्राई भी हो गया है। और जितने इसमें मसाले, प्याज का फ्लेवर, लहसुन का फ्लेवर सब इसमें आ गया है। और मैंने इसमें एक बूंद भी पानी यूज़ नहीं किया है और 5 मिनट इसको लो फ्लेम में पकाया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पालक। मैंने ये 1/2 किलो पालक ली थी। अब इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है, फिर इसको ठंडे पानी में डुबा के इसको निचोड़ के अच्छे से काट लिया है। अब इसको हम डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमने अच्छे से इसको मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब भुनी हुई जीरा। इसको मैंने बारीक बारीक से इसको कूट लिया है, ये डाल देंगे। और जो हमने फ्राई करके रखी हुई है लहसुन, उसको डालेंगे गार्लिक ऊपर से और थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। भुना हुआ जो लहसुन है, जो गार्लिक है, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। जब आप एक एक बाइट इसमें खाओगे तो वो फ्राई किया हुआ गार्लिक आपको अच्छे से पता चलेगा। इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के हम पकाएंगे। अभी 2 से 3 मिनट हो गए हमें इसको पकाते हुए। अब ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। हमें थोड़ा पालक थोड़ा हरा हरा ही रखना है, अभी देखने में अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगेगा। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया है। गैस को हम ऑफ करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, फ्रेंड में शेयर करना भूलिएगा और ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट्स करना भूलिएगा। फिर से मिलेंगे कुछ नए वीडियो है, तब तक के लिए बाय बाय।